لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قابل احترام ذمہ دار ہیں کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی اور داعیان کرام، نوجوان طلبا، طالبات، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو اپنی رحمت خاصہ سے نوازے، اور جب ہم اس بیٹھک سے اٹھے تو ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مغفرت کا فرمانے کا اعلان کریں. واجب الاحترام بزرگوں کو اور نوجوان ملت اور خواتین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، مسلم لڑکیاں فتنہ ارتداد کے جال میں وجوہات اور حل. موضوعات کو دیکھ کر یا اس کے الفاظ کو دیکھ کر یہ دھوکے میں نہ رہے کہ اس فتنے کا شکار صرف لڑکیاں، لڑکے بھی بڑے پیمانے پہ. ارتداد کا مطلب ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا ہی نہیں بلکہ الحاد بھی ہے، جو کہ تقریباً گھرانوں میں سرایت کر چکا ہے. اس کی دو جو ہے اہم وجوہات. پہلی جو وجہ ہے شبہ. آدمی کو شبہ کب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے تعلق سے ہمیں ڈاؤٹ کب آتا ہے؟ اس وقت جب ہمیں اس چیز کے تعلق سے پوری انفارمیشن نہیں ہوتی، جانکاری نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی. تو شیطان کا پہلا جو حربہ ہے وہ یہ کہ مسلم نوجوان کو اور مسلم نوجوان لڑکیوں بلکہ افراد ملت کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن میں ارشاد فرمایا: انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرنا وہی ڈر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، صفات علیہ کے ساتھ اگر ہم جان لیے تو لا محالہ مجبور ہو کر ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم محبت کریں گے. تو معزز سامعین، شیطان چاہتا ہے کہ ہم دینی علم سے دور رہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
طلب العلم فريضة على كل مسلم. यहां मुस्लिम आया है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मर्द है. अरबी में कभी मुजक्कर का सेगा इस्तेमाल होता है तो मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जिसके ताल्लुक से मालूम नहीं होता कि ये किस जिंस का है उसके लिए भी मुजक्कर का सेगा ही इस्तेमाल होता है. चुनांचे अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में जहां कहीं आप देखेंगे मुजक्कर के सेगे के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी खास फरीक से जुड़े हैं. नऊज बिल्लाह तआला. तो महज़ सामईन दूसरी जो बात है वो ये कि शैतान का दूसरा जो हथकंडा है वो क्या है, शहवा है. दूसरा हथकंडा क्या है, शहवा. यानी आदमी के पास इल्म आ गया, रब की मारिफत भी आ गई, नबी की मारिफत भी आ गई, दीन की मारिफत भी आ गई, दीन के उसूल भी उसको मालूम है, नमाज का तरीका भी मालूम है, रोजा भी मालूम है, ज़कात भी मालूम है, हज भी मालूम है, वालिदैन के एहतराम भी मालूम है, समाज के क्या हुकूक है ये भी मालूम है, हुकूक रिवाज भी मालूम है, हुकूक अल्लाह भी मालूम है, सारी चीजें मालूम है, इल्म से भरा हुआ है. लेकिन ख्वाहिशात का मतलब, अब शैतान उसको इल्मी तौर पर गुमराह नहीं कर सकता, इल्मी नाहे से शुभात पैदा नहीं कर सकता, इल्हाद की तरफ उसको नहीं ले जा सकता, शिर्क की तरफ उसको नहीं ले जा सकता, तो क्या करता है उसको, ख्वाहिशात की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करता है. जब आदमी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाता है, ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है और कबाइल का इर्तिकाब करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका दिल काला होना, सियाह होना शुरू होता है और सच को, अच्छाई को कबूल करना कम कर देता है. इस तरह रहते 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 वो धीरे 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 या तो शिर्क की तरफ जाता है या फिर वो इल्हाद का शिकार हो जाता है. तो माज़ा समय शैतान के एक दो हथकंडे हैं, इसको हम मर्द हजरात भी याद रखना जरूरी है और जो मेरी बहने यहाँ है वो भी याद रखना जरूरी है कि हम कभी इस्लाम के तहत, ईमान के तहत, रब के तहत, नबी के तहत, इस्लाम के तहत, कुरान के तहत शुबह का शिकार ना हो. इसके लिए जितना इल्म हमें चाहिए उतना इल्म हमें हासिल करना चाहिए. दूसरी चीज क्या है कि मारिफत के बाद फिर हमें गुमराही का शिकार यानी ख्वाहिशात का बंदा नहीं बनना है. तो इसके साथ हमारी इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं. आप सभी को मालूम है कि मुसलमानों का पीछा इन दिनों कैसे कैसे किया जा रहा है कि कुरान पे भी कीचड़ उछाला जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत पे भी कीचड़ उछाला जा रहा है, इस्लाम पे भी कीचड़ उछाला जा रहा है, मुसलमानों पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है और तरह तरह के अलकाब से उन्हें नवाजा जा रहा है. बिल आखिर आपको मालूम है कि रिजर्वेशन को कैंसिल करके उनके हुकूक से भी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है. अल्लाह सुब्हान व तआला को फरमान है, आप याद रखें, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लत. इस सारी चालबाजियों का वाहिद हदफ क्या है, वो यही चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से हमारे दीन से, हमारे ईमान से, हमारे कुरान से, हमारे रसूल से हाथ धो बैठे. वो हर किसी भी कीमत पर राजी नहीं होंगे, इससे कम पर राजी नहीं होंगे, यहां तक कि हम हमें वो मुत्तल करके ही छोड़े. किसी यहूदी को, नसरानी को या किसी दूसरे मजहब के आदमी को नहीं मत ले आप, मुल्हिद भी इसमें शामिल है जो नजर नहीं आते बल्कि तवज्जो ही हम नहीं देते. मैं तो कहूंगा कि मसला ये जो अब हमारा हिंदुस्तान का मसला है ये सिर्फ हिंदुस्तान का है, आलमी सतह पे देखिए सबसे बड़ा मसला मुसलमान लड़कियों और मुसलमान लड़कियों का क्या है, इल्हाद है, ख्वाहिशात की बैरवी है, शुबहात में मुसलमान लड़कियों को, लड़कों को फंसाना है. चुनाचे कैसे मुसलमानों की जिंदगी को तंग किया जा रहा है यह हमें मालूम है, लेकिन
अल्लाह सुभान व तआला के उस फरमान को याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह, वमन यत्तकिल्लाह कौन बताए, वमन यत्तकिल्लाह जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकहू मिन हैथु ला यहतसिब। ये हमारे रोजी के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। रोजी देने वाला कौन है, कौन है रोजी देने वाला, कहाँ है जो रोजी, हमारी रोजी कहाँ है, किसी जॉब में है, खेती बाड़ी में है, तिजारत में है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया वफिस समा रिज़्क़ुकुम, वफिस समा रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा जो भी रिज़्क़ है कहाँ है, आसमान में है। और जो भी तुमसे वादे किए गए हैं कहाँ से पूरे होंगे, जमीन वाले फैसला नहीं करेंगे, फैसला करने वाली जात कौन है, अल्लाह सुभानहु व तआला है। अलैहिस्सलाहु अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, इस मुल्क का एक हाकिम हो सकता है, उस मुल्क का कोई और हाकिम हो सकता है, सारी दुनिया का कोई हाकिम हो सकता है, लेकिन सारे जहानों का हाकिमुल हाकिमीन कौन है, अल्लाह सुभानहु व तआला है। ये वो जात है जिसके दरबार में ये सारे जो हुक्काम है सर झुकाए हुए खड़े होंगे कल क़यामत से। तो हमें इनके झांसे में आना नहीं है और इनसे डरना नहीं है। अल्लाह से हम डरेंगे तो अल्लाह सुबहानहु तआला मसले से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें दिखाएंगे और रोजी के वसाइल भी अल्लाह सुबहानहु तआला इंशाअल्लाह फराहम करेंगे। दूसरी जो चीज है माज़ा सामाई, अल्लाह सुबहानहु तआला ने कुरान में फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबरन। कई सारे मसाइल, कई सारे चाले जैसे खासकर एक उम्र का मरहला जो तय कर चुके हैं, जैसे मैं हूँ या दीगर जो भी 40 से ऊपर हो गए हैं, 50 के करीब है, इनको उतना बड़ा मसला नहीं है। चैलेंज इनके लिए है जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं या तालीम हासिल करके नौकरी के तलाश में है या अभी अभी शादी किए हुए, इनके लिए मोस्ट चैलेंज, बहुत मसाइल है इनके, इनके अभी कुछ ये सेट हुए ही नहीं, कदम जमा ही नहीं। अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं तुम परेशान हो, अपने माशी हालात को लेकर परेशान हो, समाजी हालात को लेकर परेशान हो, खानदानी हालात को लेकर परेशान हो, इंफरादी हालात को लेकर परेशान हो, ये सारी परेशानियों का हल है वो क्या है, वल्लदीना जाहदू फीना, जो हम में मुझे राजी कराने के लिए मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जो भी कोशिश करेंगे, लनहदियन्नहुम तुमको एक रास्ता नजर दिया, इस मसले से माशी मसले से बाहर पड़ने का एक रास्ता नजर नहीं आ रहा, खानदानी मसले से बाहर पड़ने का एक रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं लनहदियन्नहुम सुबुलना, रास्तों के रास्ते अल्लाह खोलेंगे हमारे। बस यह है कि हमारा अकीदा मजबूत हो, अल्लाह पे हमारा यकीन हो, इंशाअल्लाह ये सारी जो हवाएं चल रही हैं ये वक्ती हैं, ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक हवा जन्नत की ओर से जाएगी जो सारी ढेर सारी खुशियां हमारे लिए लाएगी। इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना माज़ा समय, कई सारी साजिशों के ताल्लुक से आपने सुना है, अब सबसे बड़ी साजिश क्या चल रही है हिंदुस्तान के पस मंजर में, सबसे बड़ी साजिश क्या चल रही है, कोई नई बात नहीं। जहां मल्टी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होंगे, एक ही समाज में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, तो इन समाजों में आम सी बात होती है कि आदमी एक औरत मर्द से अट्रैक्ट होते थे, एक मर्द जो है औरत से अट्रैक्ट हो सकता है। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकतिन वलौ, इसको याद रखें, इसको कोई ये नहीं कर सकता, पसंद आना जो है ये किसी के बस की बात नहीं है, वो पसंद आ सकता है लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं अगर वह ईमान नहीं है, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर, कितना ही बड़ा मालदार हो, कितने ही अच्छे खानदान को, उसकी वजह पर ये गुलाम रहता है। जो हो सकता है पैसा उसके पास ना हो, खूबसूरती उसके पास ना हो, ओहदा उसके पास ना हो, खानदान उसके पास ना हो, लेकिन वो मोमिन है, ईमान उसके पास है, सबसे बड़ी दौलत उसकी। किसको बोलते हैं सबसे बड़ी दौलत, ईमान को बोलते हैं। तो फिर इस गुलाम के पास ईमान है तो इससे शादी करो बेहतर है क्या, और उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला मर्दों से मुखातिब करके कहा वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, कि मुमिन जो बांदी है वो बेहतर है, किससे,
उस मुश्तिका से जो शक्ल सूरत में इससे ज्यादा खूबसूरत, जो माल में इससे ज्यादा बड़ी हैसियत की है, जो हृदय में इससे ज्यादा बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईमान इस बांदी के पास है तो उसी क्षेत्र में निकाह करना है। तो हम नौजवान हो, लड़के लड़के हो या लड़कियां हो, हमको तो मुजम्मत शामिल कीजिए। तो आप जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, तो आपको चाहिए कि अपने जिंदगी का एक बेसिक मोरल बनाए कि मुझे मुस्लिम लड़के से शादी करनी है, और लड़कियां ये बेसिक मॉरल बनाए कि मुझे सिर्फ मुसलमान लड़के से शादी करनी है। हाँ, यहाँ दूसरा एक ये है कि ऐसे भी सहाबियात का जिक्र आप सुने होंगे, ज्यादा बोलेंगे जरूरत की तालीमत भी है, यहाँ फारिगात भी है, तो बताने का जो मकसद है कि उनके पास एक मुश्रिक आता है निकाह करने के लिए, तो उनके पैगाम को वो रद्द नहीं करती, लेकिन बड़े ही अच्छे अंदाज में कहती है कि आप मुश्रिक हैं, अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं आपके रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हूं। बात समझ में आ रही है? तो माजर समय इसको हमें याद रखना जरूरी है कि ये पहले भी होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? कोई बताएंगे अब क्या हो रहा है? ऐसा पहले भी होता था, पढ़े लिखे जो लोग होते थे जो इल्हाद का शिकार थे, गैर मुस्लिम से शादी करते, जो फिल्म के हीरो हीरोइन होते वो भी गैर मुस्लिम से शादी करते, है कि मालदार तो बड़ा तबका होता था तो वो भी गैर मुस्लिमों से शादी करते, ये आम बात थी। लेकिन अब खास तौर पर क्या हो रहा है? एक ही कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी इस तरीके से होता उनके दरमियान भी होता, लेकिन अब खास क्या है? बाकायदा ऐलान किया गया, बाकायदा ऐलान किया गया है कि अगर कोई मर्द लड़का किसी मुस्लिम लड़की को फंसाता है, शादी करके घर वापसी कराता है, तो उसको 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा और रहने के लिए फ्लैट दिया जाएगा और जो भी कानूनी मदद उसको चाहिए सारा फराहम किया जाएगा। ये ढके छुपे अंदाज में नहीं कही गई बात, बल्कि डंडे की चोट पर यह बात कही गई है, जिसकी वजह से भेड़ियों की तरह वो नौजवान जो पहले पैसे के एक लालच है, जो फ्लैट के जिनके पास लालच है, ख्वाहिशात के जो बंदे बने हुए हैं, ये सारे के सारे किसके पीछे पड़े हुए हाथ धोकर, सारे के सारे किसके पीछे पड़े हुए? हम मुसलमान लड़कियों के पीछे पड़े हुए। तो ये मत समझिए कि उस मोहल्ले की लड़कियां खतरे में है, हमारे मोहल्ले की लड़कियां खतरे में नहीं, उस घर की लड़कियां खतरे में है, मेरे घर की लड़कियां महफूज है। ये आग ऐसी है कि अगर ये चल पड़ी तो उतना दूर ये जाएगी जितना दूर हवा चलेगी, और जितना तेज हवा चलेगी उतनी तेजी से घरों को जो है बात करते हुए निकल जाएगी, और हमारी इज्जतों को, ईमान को, इस्लाम को, दीन को, हर चीज को ये तहस नहस करके रखेगी। तो ये कोई मामूली फितना नहीं है। तो चुनाचे हमें इस फितने के तहत खुद जो है होशियार होना जरूरी है, ये शोर हमें होना चाहिए, और हमारे जो गाफिल नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको भी इस फितने की जो खतरात हो सकते हैं उस तक हमें आगाह करवाना जो है जरूरी है। तो जरूर आप इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से सोचेंगे। अब मैं कुछ बातें कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुरान में एक आयत है, आप लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि शैतान ने अल्लाह से वादा किया है, कि क्या वादा किया? लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, है क्या? कहां बैठेगा शैतान? याद रख, ऐसे देखिए आपको नजर नहीं आएगा, कहीं दूर बैठा नहीं, हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, चारों ओर क्या होगा? शैतान बैठा होगा, उसके जो चेले हैं वो चारों ओर बैठे होंगे, है कि नहीं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम की मिसाल दी ना, जब आप सीधे चलेंगे तो दाएं बाएं क्या है, कई सारे दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर पुकारने वाला है कि नहीं? तो यहां शैतान ने अल्लाह से वादा किया, मैं उनके आगे से भी आऊंगा, उनके पीछे पीछे से भी आऊंगा, और उनके नीचे से भी आऊंगा, लेकिन ऊपर से वो आ नहीं सकता, इसलिए ऊपर वो जिंदा है अल्लाह सुभान व तआला की जायदाद है। चुनाचे उसने कहा कि तेरे बंदों में से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। तो अल्लाह सुभान व तआला ने उसको तो मोहलत दी, लेकिन अल्लाह ने एक बात जरूर कही हो, ये मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे उसका बाल भी तू बेकार नहीं कर, उनका बाल भी तू बेकार नहीं कर सकता, ये अल्लाह सुभान व तआला का वादा है। चुनाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले शैतान
इस्लाम की राह में बैठता है कि भाई मेरे बाप दादाओं ने दिन क्यों छोड़ा है, छोड़ने के बाद जिंदगी कैसे गुजारेगा, विरासत के मसाइल क्या होंगे, तेरे बाप तुझे घर से निकाल दे तो क्या करेगा, समाज तुझे बेकार करेगा तो क्या करेगा, कानूनी मसाइल आए तो क्या करेगा, है कि नहीं। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो शैतान वरम रहा था, लेकिन इंसान उसकी बात सुनता नहीं, हक को कबूल करता है, इस्लाम कबूल करता है। उसके बाद इंसान हिजरत के रास्ते में बैठता है। क्या दिमाग तो तेरा खराब नहीं हुआ है, कौन सी जमीन छोड़कर जा रहा है, जिस जमीन पर तू पैदा हुआ, तेरे पुरुष थे यहाँ, ये तेरी बहुत सारी नकारियां हैं, बहुत सारी यादगारें यहाँ, ये सारी चीजों को छोड़कर एक अनजानी जगह पे तू जाएगा, है कि नहीं। फिर वरग लाता है, इंसान उसकी बात नहीं सुनता, हिजरत करता है। उसके बाद फिर शैतान वरग लाता है, कहाँ हिजरत के रास्ते पे, कहाँ जा रहा है तू, तेरी बीवी इधर है, तेरे प्यारे बच्चे इधर है, तू जाएगा अगर उधर जान गवा देगा तो हो सकता है तेरी बीवी दूसरी शादी करे, तेरे बच्चे जो है आवारा हो गए, तेरा घर टूट जाए, तेरा जो संसार है वो सारा का सारा खत्म हो जाए, वरग लाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान उसके बाद में नहीं सुनता, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या मैसेज है, शैतान तो रोकेगा ही ना, हमें करना क्या है, रुकना है, हमें रुकना है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, इस्लाम के राह में भी हमें आगे बढ़ना है, हिजरत के राह में भी हमें आगे बढ़ना है, अगर जरूरत पड़े जान गंवानी पड़े तो जान गंवाने के लिए हमें तैयार होना है। क्यों भाई, क्यों जान गंवानी है, क्यों जान गंवानी है, नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम की औलाद क्या था, माली माली, आदम की औलाद क्या कहता है, क्या बोलता आदम की औलाद, मेरा माल मेरा माल, अल्लाह सुबहानहू तआला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो पैगाम दे रहे हो क्या है, कौन सा तेरा माल है, वो जो तूने खाया और हजम किया वो तेरा है, वो जो तूने पहना और पुराना किया वो तेरा है, और वो जो आखिरत के लिए तूने भेज दिया वो तेरा है, बकिया सब तेरे वारिसों, कौन सा हमारा, हमारी जान हमारी है, हमारा जिस्म हमारा है, हमारी सेहत हमारी है, वमा बिकुम मिन नियमा फमिन अल्लाह, जो भी नियमत हमें दस्तियाब है मिली हुई है किसकी है, अल्लाह सुबहानहु तआला की है ना, कौन सी चीज हमारी है, तो अल्लाह ने फरमाया कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानअल्लाह, याद रखें ला शरीक लह व बिذلك उमिर हां व अना बेस्ट या फर्स्ट, बेस्ट या फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट बेस्ट भी बात है, पहले पर है बेस्ट बाद में, ठीक है, अल्लाह सुबहानहू कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना ये सब को सारे जहानों के परवरदिगार किसके लिए, अल्लाह सुबहानहू तआला के लिए है, इसी चीज का हुक्म मुझे दिया गया है और इस हुक्म को बजा लाने में वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन मैं फर्स्ट रहूं, आप समझे कि बस्ट बनना चाहते नहीं, फर्स्ट आना चाहते नहीं, सुनते कभी भी बोर्ड पर देखे फर्स्ट रैंक है, ख्वाहिश होती फर्स्ट रैंक मानना है कि बेस्ट है, बेस्ट एक्टर जो भी आपको लगता है बेस्ट है अल्लाह का बंदा बनना आता है कि नहीं, खैर कुन मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम है कि नहीं, तो बेस्ट बनने की ख्वाहिश होती ना, तो अल्लाह सुभान पर मौका दे रहे हैं कि जब भी तुम्हें मसला पेश आए तुम्हारी नमाज का मसला पेश आए तुम्हारी कुर्बानी का मसला पेश आए तुम्हारी जिंदगी का मसला पेश आए तुम्हारी मौत का हर पल तुम्हें तैयार किसके लिए रहना है, अल्लाह सुभान व तआला के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना है। सुनाचे मुआज़्ज़ज़ सामईन फजाहदा का जो यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में लगातार जो है कोशिश करते रहे। यहाँ मुख्तसर इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि वो वक्त ज्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह मैं मुख्तसर खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक मारूफ जो न्यूज़पेपर है उसके न्यूज के हिसाब से गुज़िश्ता 3 सालों में 40,000 से ज़ायद लड़कियां जो है इत्तेदाद का शिकार हुई, बल्कि ये कहा जाता है उलमा का कहना है कि ये सिर्फ वो है जिनका केस दर्ज हुआ, जिनका केस दर्ज नहीं हुआ उनका अदद इसमें शुमार नहीं, समझिए सिर्फ लड़कियों का अदद बताया जा रहा है,
लड़कों का अलग, इर्तिदाद का लफ्ज है, इसको याद रखें आप, यानी जो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बने, ये है असल। मुल्हिद कितने बने इसका जिक्र नहीं है, इल्हाद की फिक्र कितने के जो है में है इसका जिक्र नहीं। अगर ये सारी चीजों को मिला लें, यकीनन जो है खून के आंसू रोने का जो है ये मौका है। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, इसमें कुछ वजूहात की तरफ मैं तवज्जो देकर आगे बढ़ूंगा मुख्तसर अंदाज में, क्यों ये चीजें पेश आती हैं, नौजवान लड़कियों में क्यों पेश आती है, नौजवान लड़कों में भी क्यों पेश आती है। इसकी जो अव्वलीन वजह क्या है, दीन से दूरी, जहालत और अकीदे की कमजोरी। दीन से दूरी, जहालत और अकीदे की कमजोरी, ठीक है। तो अकीदा अगर हमारा मजबूत हो गया, जहालत दूर हो जाएगी, जहालत अगर दूर होगी, दीन से हम करीब होंगे, दीन से हम करीब हुए तो अमली मैदान में भी हम आगे बढ़ेंगे। जब अमली मैदान से हम जुड़ जाएंगे, मस्जिद से हम जुड़ जाएंगे, मदरसे से हम जुड़ जाएंगे, कुरान से हम जुड़ जाएंगे, हदीस से हम जुड़ जाएंगे, जो फरिश्तों की महफिलें हैं इन महफिलों से हम जुड़ जाएंगे, ये भी फरिश्तों की महफिलें, मालूम क्या फरिश्ते हैं, फरिश्ते घेरे हुए हैं हम सब, है कि, और हमारे पर अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नाज़िल हो रही है। क्यों नाज़िल हो रही है, या अल्लाह की बात रही, अल्लाह के रसूल की बात रही, कितने बड़े खुश नसीब है जब हम यहाँ से उठे कि अल्लाह फरमाएंगे तुम सब के सब, तुम सब मैंने माफ कर दिया, सब जो है खुश होकर जाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह यहाँ कोई एक ऐसा भी आदमी है, एक ऐसा भी दो आदमी, तीन आदमी है जो अपनी जरूरत के लिए आए, मजबूरन बैठ गए, तो अल्लाह सुभान पर फरमाएंगे ये मजलिस इतनी मुबारक है इससे कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, इसके बरकत से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये जो परवाना है सबको मिलेगा। चुनांचे इसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है कि दीन से हम करीब हों, जहालत को दूर करें और अकीदे को मजबूत करें। उसके बाद बेपर्दगी वो बेहयाई, वालिदे कब आंसू बहाते हैं, उस वक्त आंसू बहाते हैं जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, कि जब सर से ऊपर हो जाता है, या लड़की घर से भाग जाती है, लड़की लड़का किसी और से शादी करता है, उसके बाद वो रोना मोना शुरू करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारी इज्जत खराब हो गई। लेकिन इस दौरान जो हरकत और सकना लड़कियों के लड़कों के वालिदैन देखते हैं, इसकी तरफ बहुत तवज्जो नहीं देते कि हमारी लड़की कैसा लिबास देर तक कर रही है। अभी मैं बात कर रहा था इधर, तो हमारे बिलाल साथी शेख बिलाल मालूम होगा, वो बता रहे थे, हमारे नाम लूट रहा बहुत दिन से अब यहाँ करीब में कहीं बात है जिक्र कर रहे थे कि बुरखे पहनकर लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, वहाँ जाकर बुरखा निकाल देती हैं, फिर कुछ वक्त गुजारने के बाद बुरखा पहनकर घर वापस आती हैं। तो ये सब क्या वालिदैन के नजर में नहीं है, कोई इनको बताता ही नहीं, जो हमको नजर आ रहे हैं क्या वालिदैन की खबर मिलती नहीं, होगा मिलती होगी, लेकिन वो हो सकता है बच्चों के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से और कॉन्फिडेंस होती है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं होता, हर बाप ऐसा ही होता है, हर माँ ऐसी ही होती, मेरा बेटा ऐसा नहीं होता, लेकिन मसला क्या है, वो खतरे के दलदल में फंसता जा रहा है उसका इल्म नहीं, लेकिन जब पूरे तरीके से धस जाता है उस वक्त रोना धोने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसीलिए बड़े कहते हैं चेतुल काला का आखिर प्रयोजन क्या बोलते हैं कि हाथ जल जाए उसके बाद पत्ते पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, हाथ ना जले इसका एहतियात जो है करना जरूरी है। चुनांचे कीमत से कीमती चीज क्या है दुनिया में, आप देखें अल्लाह ने उसको क्या महसूस किया है, कीमत से कीमती, तो औरत जात अल्लाह सुभाना व तआला की नजर में सबसे कीमती चीज है, मुस्लिम औरत, क्योंकि ये जो हुक्म है गैर मुस्लिम औरतों को नहीं है, याद रखें इसको, मुस्लिम औरत सबसे कीमती है। ईमान के साथ साथ हया का जो लिबास है वो हया का लिबास जेबतन जो है उसको करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह सुभान अल्लाह इबादत के वक्त में आप देखें नमाज पढ़ रहे हैं ना, किसके सामने खड़े, कोई भी नहीं घर में कोई नहीं, सिर्फ औरत है, किसके सामने खड़े, अल्लाह सुभान अल्लाह पैदा करने वाली जात है कि नहीं, हमारा जिस्म का अजू अजू बनाने वाली जात कौन सी है, अल्लाह सुभान अल्लाह की जात, उसके सामने हम खड़े रहे, कैसे खड़े रहे नमाज में, बुरके के साथ खड़े रहे ना, है नहीं, पूरा लिबास साथ के लिबास, मतलब काला बुरका ना कहीं, लेकिन पूरे जिस्म को ढाक कर हम खड़े हो रहे हैं, सर ढाक कर खड़े, जब नमाज की इतनी पाकीज़ा हालत में लिबास का जिस्म का ढकना जरूरी है, तो फिर बाहर समाज में
इसकी अहमियत कितनी होगी थोड़ी देर के लिए सोच, है कि? और बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन इसका वक्त नहीं है, लेकिन इसको याद रखें। मैं इसको तेलुगु में किए इधर इसलिए रखा हूँ कि हमारे इसमें बच्चियों में खासकर कहाँ से याद रखें, क्योंकि बच्चों में दूसरे किस्म का होता है, सुपरमैन स्पाइडरमैन ये किस्म के होते हैं, लेकिन लड़कियों में जो है बैग्स खासकर स्कूल्स के बैग जो हम खरीद कर देते हैं कि ट्रेंड है ये है वो है बोल के, लेकिन उस बैग पे लड़कियां जो होती हैं उसको अपना रोल मॉडल जो है बचपन से शुरू कर देते हैं, उनको नहीं मालूम है, उनको क्या मालूम है लड़की क्या है, उसको बैग पसंद है, वो बच्ची लड़की का ड्रेस पसंद है या वो डोल पसंद है, इस तरह से रहते रहते क्या है उसी की आदत बनती जाती है। तो पर्दे से दूरी जो है उसका बीज हम बचपन से डालते हैं, जिसके मुजरिम कोई और नहीं सिर्फ वालिदैन हैं, तो इसको याद रखें। उसके बाद वजूहात में मखलूत निज़ाम तालीम है, मखलूत निज़ाम तालीम से मुहतात होकर रहना चाहिए, क्योंकि मुआज़ सामने याद रखें तेलुगु में एक कहावत है कामा तुरानाम न भयम न लज्जा, कामा तुरानाम न भयम न लज्जा, यानी इंसान ख्वाहिशात का बंदा है, छाई के पास खाएगा, लेकिन जब ख्वाहिशात ज्यादा हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और हलाल हराम की तमीज नहीं रहती, या उसको मालूम ही नहीं हलाल हराम क्या है, उसको मालूम ही नहीं हलाल हराम क्या है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, तिरुपति में एक शादी का की तकरीब थी, बल्कि के तकर वो शादी की नहीं बल्कि तलाक की तकरीब कर शादी की तकरीब, ताज्जुब ये भी पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ी लिखी है, सिनेमा का म्यूजिक कुछ था, तो उसने अपनी बहन की लड़की से शादी किया, बहन की लड़की से शादी, बात समझ में, उससे तलाक देकर दूसरे से शादी करा दो तो शादी की तकलीफ है, तलाक की ये भी रखी साथ। तो बताने का जो मकसद है ये मखलूत निज़ाम तालीम क्या करता है, ये है कि आदमी के पास जो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात का बंदा है ही है, उसके साथ अगर जहालत भी आ जाती है तो ये क्या है खतरे पे और खतरा बन जाता है। चुनाचे मखलूत तालीम किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर आपके हवाले में कहना करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो वहां क्या मकसद क्या है, अल्लाह से करे दूर, इल्म अगर दूर कर रहा है तो भी फितना है कि नहीं, अगर दौलत दूर कर रही तो भी फितना, औलाद दूर कर रही है तो भी फितना है कि नहीं, तलवार दूर करे तो भी फितना है, यहां तक कि अल्लाह अकबर का जो नारा है वो हक के रास्ते से हमें दूर कर रहा है वो भी फितना है। तो कितना मोहताज होकर हमें चलना है इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कारण है वो क्या है, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं, गलत इस्तेमाल है कि? याद रखिए बच्चे फोन से अडिक्ट ना हो इसकी कोशिश करें अल्लाह के लिए, बच्चे हमारा कीमती असासा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तब का किया अभी राह में वतब माँ अगना अन हूँ मालू हूँ व माँ कसम, मालू हूँ के बाद क्या था व माँ कसम, कसम क्या है औलाद है कि नहीं, यानी दौलत से बढ़कर हमारी नजर में कौन है, हमारी औलाद है, जान से बढ़कर पार करते हैं ना उसे, तो फिर जान से बढ़कर पार करने वाली औलाद को हम क्या कर रहे हैं ये फोन के हवाले कर रहे हैं, और फोन उनके दिमागों से जैसा चाहता है, इंटरनेट उनके दिमागों से जैसा चाहता है वैसा वो तलवार करता है, और ये जहां भलाइयों का मरकज है वहां इससे हजारों गुना बुराइयों का गढ़, और जन्नत और दोजख अब बहुत दूर नहीं है, एक टच की दूरी में, जस्ट वन टच, या तो आप जन्नत पे जाओगे या जहन्नम के रास्ते पे। इसीलिए हम जहां भी उतरते हैं नई जगह में अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, मोबाइल भी ऐसा ही है उसमें एग्जिट है एंटर है, लेकिन अच्छे रास्ते में आप एग्जिट होंगे हो सकता है बीच पे गलत रास्ते में चले जाए, गलत रास्ते में आप एग्जिट होंगे हो सकता है आप बाहर निकलते निकलते फजर की नमाज भी जो है छूट जाए, है क्या,
तो अल्लाह सुभानहू तआला हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, ये जो स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इसका गलत इस्तेमाल को रोकना चाहिए। क्या इसकी तदबीरें हो सकती हैं, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तसर तरीके से मेला ठेला और दोस्तों की पार्टियां, मेला ठेला और दोस्तों की पार्टियां है, कोई चाहे नौजवान लड़कों के ताल्लुक से बना, कोई चाहे पार्टी, क्या पार्टी, पार्टी अच्छे ना पार्टी अच्छा पार्टी ठीक है, तो कोई है भाई, कोई तो जाता है तो फिर पार्टी है ना, क्या अजीब निजाम बना हुआ है। तो लड़की भी इस खतरे में फंसते जा रहे हैं नौजवान लड़के साथ साथ, बल्कि मैं कहूंगा आप लोगों के सामने हकीकत पेश कर रहा हूँ, मैं कलोकन के इलाके में रहता हूँ, रमजान का महीना खत्म हुआ, आंखों देखिए हकीकत पेश कर रहा हूँ मैं, वहाँ इतने जो है टूरिस्ट नहीं होते, कभी कभी आ जाते हैं, ईद बारात को आ जाते हैं, रमजान का ईद के दिन की बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन की बात, सुबह 4 बजे से जो शराब की दुकानें हैं, एक ही दुकान में 4-4 आदमी हैं रात के 9 बजे तक, और सब आने वाले कौन, मुसलमान, सब आने वाले नौजवान मुसलमान, और पुलिस के देख से जो है जैसा जैसा मामला करना है वैसा वैसा मामला कर रही है, बल्कि यहां तक उसने कहा कि ऐसे लोगों को मैंने कभी देखा ही कि रमजान का महीना पूरा महीना ये लोग इतने इससे गुजारते हैं, और रमजान जैसे गुजरता इतनी शैतानियत इनमें कहां से आ जाती है, एक पुलिस का स्टेटमेंट था। तो माज़ा सामाई, लड़कियां तो इन चीजों से ताला बहुत दूर है, लेकिन लड़के जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं, चुनांचे लड़कों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, लड़के लड़कियां भी मोहतात होकर ये जो त्यौहार होते हैं, पार्टियां होते हैं, इसके ताल्लुक से बहुत मोहतात रहें, कभी भी ये ना समझे कि ये जो नई तहजीब है उसके जो दिलदादा हैं वही इन पार्टियों में जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो पुराने ख्याल के लोग हैं, ये मत समझे, क्योंकि शैतान का ये भी एक है। उसके बाद जो दूसरी एक और जो वजह है वो क्या है, गुर्बत, मजबूरी और निकाह में देर, तीन चीजें मैंने बना ली थी, क्या, गुर्बत, मजबूरी और निकाह में देर। हदीस में एक वाक्य पढ़े हुए, गार में तीन आदमी फंस जाते, उसमें एक आदमी बोलता कि मेरी चचा की लड़की थी, उसने भाई डिटेल बताना नहीं चाहता, उसमें तो बताने का मकसद है क्यों अहले ईमान थी, ईमान वाली थी, उसको अल्लाह का डर था, क्यों बुराई पर राजी हुई, मजबूरी थी उसकी, मजबूरी थी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फकीरी, चुनाचे अरबी में मकौला है कादल फकर, फकीरी कभी कभी गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफर तक खींच ले जाती है, चुनाचे मजबूरी भी होती है और निकाह में देरी भी हो सकती है। तो ये तीनों जो नुकात हैं ये भी हैं मालदार तबका, पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड तबका नहीं, बल्कि इसमें गरीब भी हैं, मजबूर लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो अच्छे खानदान के हैं लेकिन शादी में उनकी देरी हो रही है, ये भी वजह बन रही है इसकी, चुनाचे इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। बरहाल इसमें एक शेर मैं यहाँ ये किया, मिटाकर आग जिस्मों की, तलब दिल की, तलब दिल की मिटाते हैं, हवस का नाम लोगों ने बदल कर इश्क रख दिया, हवस का नाम लोगों ने बदल कर इश्क रख दिया है, चुनांचे मोहब्बत के नाम पे जो कुछ रंग रंगरलियां होती हैं वो सब क्या है, वो ख्वाहिशात की पैदावार होते हैं, चुनांचे लड़कियां खासकर इस मामले में होशियार होना चाहिए। उसके बाद जो वजह है, जहेज और मासूम बेबस लड़कियां, इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहेज की क्या अलामत है, क्या वजह है, किस किस घरानों में कौन सी कौन सी लड़कियां बैठी हैं, सिर्फ जहेज की वजह से हम सबको मालूम है, ठीक है। चुनांचे ये जोड़ा घोड़े की जो रस्म है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि निकाह को जब तक हम आसान नहीं करेंगे जिना को हम मुश्किल नहीं कर सकते, निकाह जितना मुश्किल होता जाएगा जिना उतना आसान होता जाएगा, चुनांचे हमें जिना के रास्ते को बंद करना है, निकाह को आसान करना है, चुनांचे इसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद हम सब के लिए करने का जो काम है, यहाँ याद रखें कि ये सारे मसाइल हमारे समाज के हैं, क्या मेरे आपके समाज के, इस तेलुगु में एक है अंदर बाग उंडाली, हाँ मेरा तरीका उंडाली, क्या ना अंदर अंदर बागुंडाली, अंदर नैन उंडाली, నేను మాత్రమే బాగుండు ఎవడు ఏమైపోయినా అవసరం అలానా కాదు కదా, నేను ఎలా ఒక్కడికి బాగుంటాను, అందరూ బాగుండాలి,
अंदरो नेम उठाई, हम सब अच्छे रहना, उसमें हम भी शामिल रहना, उसे क्या करना, सारे समाज के ताल्लुक से हमें सोचना है, जिम्मेदारी लेनी, उलमा खुतबा दाई हजरात मुस्लिम है कि कोई भी फर्क, समाज में कोई कारकुन हो सकता, कोई भी आदमी जो मुसलमान है वो मुसलमान लड़कों और लड़कियों की फिक्र उसको करनी बेहद जरूरी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं ले, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम भलाई का हुक्म नहीं दोगे और बुराई से रोकने का काम नहीं करोगे तो अल्लाह सुबहानहु तआला तुम पर अजाब मुसल्लत करेगा, उस वक्त तुम दुआ भी करोगे अल्लाह की दुआ को कबूल नहीं करेगा। चुनांचे इस चेतावनी को हमें याद रखना जरूरी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शेर से हमारी इस बात को हम खत्म करते हैं, ना समझोगे मिट जाओगे, अरे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में हिंदुस्तान वालों किसे कहा जा रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फितना हर जगह फैला हुआ है, लेकिन जिस फितने की बात खासकर यहाँ की जा रही है ये हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। इसको समझते हुए इस मौजू को आप अहमियत दें और इसी के हिसाब से अपनी जिंदगी के करने की कोशिश करें। आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। चुनांचे ये जो मौका मुझे कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के जो सरपरस्त आला हजरत इसाफ अली साहब हैं हफ़िज़हुल्लाह तआला, उन्होंने बार बार फ़ोन करके याद दिला के ये मौका मुझे दिया है। यकीनन खुतबे के लिए तो मैं थोड़ा बहुत आधा आता था, लेकिन जब ये बात उन्होंने कही कि इस टॉपिक पे आप बात करनी है तो मैं कल पूरा बैठकर कल सफर से कल पूरा बैठकर उसको तैयार किया और आप लोगों के लिए उसको लाया हूँ, ताकि कुछ ना कुछ अगर आप में से 10 आदमी 5 आदमी 1 आदमी भी मुस्लिम बनकर उठ जाता है, फिक्र लेकर आगे बढ़ जाता है, तो मेरी जो कोशिश है इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे इस मिल बैठ को अल्लाह सुभान व तआला कबूल फरमाए। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्र बजा लाता हूँ कि आपने बगौर मेरी बातों को समाप्त फरमाया। इस दौरान अगर कोई गलत बात मेरी जुबान से निकल गई है, कोई बुरी बात निकल गई है या बातिल बात कुछ निकल गई है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, सिर्फ हक ही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है। और बुरी बुराई से मेरे नफ्स की बुराई से मैं अल्लाह सुभान तआला की पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुभान तआला हम सब की हर पल हिफाजत फरमाए, खासकर हमारे जो बेटियाँ हैं मुस्लिम बेटियाँ हैं उनके अल्लाह सुभान तआला हिफाजत फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत ही मेहनत करके आपने हमारे नौजवान